गाइस, हम लोग आज ब्लैक बुक प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये हमारा प्रिंटर है, इसको हम पहले ऑन करेंगे। इधर से इसका ऑन ऑफ का बटन है, ऑन किया। जितने भी बटन दिख रहे हैं प्रिंटर के अंदर, कौन सी भी, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब चीज़ से कभी नहीं बोलने का। सिर्फ ये है पुश एंड रिज्यूम करने का, अगर पेपर अटक गया तो निकालने का उसका काम आता है। अभी हम लोग पेपर खाली सारा चेक कर रहे हैं कि हमारा मशीन ओके है क्या नहीं है, बस वही चेक करने के लिए भी हम पेपर डालने का, प्रिंटर ऑफ करने का, इधर से स्विच से वापस से स्विच अपना इसको ऑफ कर देने का, थोड़ा सा इधर धक्का मारने का आराम से चेक करने के लिए कि हमारा वैसे चल रहा है क्या नहीं। देखिए गाइस, हम लोगों ने पेपर बाल ले लिया है प्रिंटर के जैसा हमको चाहिए था, और ये कभी भी इतना आधा इंच का 1 इंच का गैप छोड़ने का इसका, और हमेशा राइट लेफ्ट में ही प्रिंट मारने का, ओनली ऑन लेफ्ट साइड में ही, तो अच्छा क्वालिटी आता है, अच्छा होता है। और जो नंबर दिख रहा है ना आपको, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जब भी आप मैगजीन के ऊपर प्रिंट मारोगे तो 4, 6 और 7 के बीच में रखने का, तो प्रिंट का अच्छा दिखता है। आपको डार्क भी दिखेगा, क्वालिटी भी अच्छी दिखेगी। और अपने आपको अभी हम प्रिंट कंप्यूटर से प्रिंट मारेंगे, ये कंट्रोल पी किया डायरेक्ट प्रिंट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ प्रिंटर का उसके अंदर, उसको वापस ऑन करने का फिर। और कभी भी ये प्रिंटर जो नंबर दिख रहा है ना, देखो फॉन्ट का, फिस्ट का, थीसिस का, ये सब में कभी भी नहीं जाने का इसको करने का, कभी भी पेपर डक या कहाँ आ गया कोई आपको, तो अपन इसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हमारा प्रिंटिंग हो रहा है, टेस्टिंग प्रिंट हो रहा है हमारा। मादर को पेस्ट हो गया, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। ये पेपर आ है इसके लिए दिख रहा है, अगर आप इसको जेली के रेजिन के ऊपर मारोगे तो क्वालिटी भी अच्छा आएगा, गोल्डन भी अच्छा दिखेगा आपका। आप जो कस्टमर को दोगे कस्टमर खुश होकर जाएगा आपसे। हाँ, किसी को भी कोई प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए या ब्लैक बुक के रिलेटेड, थीसिस बाइंडिंग के रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए तो वो भी मिलता है हमारे पास। हाँ, जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा।